उम्मीद करता हूँ कि मेरे दोस्तों आज अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। औलियाए बुजुर्गान ने क्या सच कहा है, क्या खूब कहा है, और आज मैं उन्हीं की दस्तरस में अपनी ज़िंदगी के लम्हात जो है वो कर रहा हूँ। लोग मुझ पर तनकीद भी करते हैं, लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, तो सोचना ये है कि दूसरों पर तनकीद करना और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना या दूसरों की ज़ात पर कीचड़ उछालना, वो ख़ुद भी गिर जाते हैं जो दूसरों पर तनकीद करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि बताना ये चाहना था कि ना मैं रईस हूँ, ना मैं अमीर हूँ, ना मैं रईस हूँ, ना मैं अमीर हूँ, ना मैं बादशाह हूँ, ना मैं वज़ीर हूँ, ना मैं रईस हूँ, ना मैं अमीर हूँ, ना बादशाह हूँ, ना वज़ीर हूँ। दरे मुस्तफ़ा मेरी है सुल्तनत, उसी सुल्तनत का मैं फ़कीर हूँ। इश्क अल्लाह इश्क रसूल पाक पंचतन पाक बिनत रसूल। दूसरों की इज़्ज़त करना सीखो, दूसरों की कदर करना सीखो। चंद लम्हों की ज़िंदगी है, अंजाम आपका आखिर मिट्टी की खाक होगा। आपकी अकड़, आपकी ज़बान, आपका किरदार, आपके किरदार से इंसान पहचाना जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सुनने वाले चाहने वाले दोस्त अहबाब सब जो है इस पर अमल करेंगे, इस बात पे अमल करेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो राय है वो एक हो जाएंगी और अल्लाह ताला हम पे बहुत करम फरमाएंगे। तो एक ही नारा लगाया करें, इश्क अल्लाह इश्क रसूल पाक पंचतन पाक बिनत रसूल। अपने कद से बाहर मत जाइएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल से प्यार कीजिए, अपने मुल्क से प्यार कीजिए, अपनी कौम से प्यार कीजिए। ये चैनल आने जाने वाली चीज़ है, आज उधर है आज उधर है, मगर किसी की ज़ात पे कीचड़ उछालना ये अच्छी बात नहीं है। अल्लाह पाक आपको हदायत दे और आप समेत मुझे भी और सबको हदायत दे। ये ज़िंदगी चंद लम्हों की है, उसके बाद फिर अंधेरा है, फिर कब्रिस्तान है, फिर जो हमने खाक में मिल जाना है। तो बेहतर ये है कि हम एक दूसरे की इज़्ज़त व आबरू का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का और बर्दाश्त करने का।